तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वाओ का शैम्पू जो कि अभी ट्रेंड में है। वाओ का शैम्पू और हर कोई वाओ का शैम्पू यूज करना चाहता है कि क्या है इसके इफेक्ट और कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हो इसको हम इतना यूज करके फिर रिव्यू दे रहे हैं और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है ख़त्म हो चुका है तो हम इसको रिव्यू दे रहे हैं। और वाओ का है स्किन स्किन साइंस शैम्पू है और रेड ओनियन का ये बना हुआ है। सीट ऑयल है और शैम्पू और इसमें क्या है क्या इसमें नहीं है जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नो नो पैराबिन्स है, नो सल्फेट है, नो सिलिकॉन है, कलर है पीईजी। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है नो, इसमें सब नो सल्फेट है, नो पैराबिन है, नो कलर है, नो पीजी है और डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है। बस इसकी एक खास बात क्या है कि यह शैम्पू बहुत ही ज्यादा महंगा है। महंगा क्या है दोस्तों, यह 300 ml का शैम्पू का डब्बा है और यह आपको कितने में मिल जाता है, 499 में मिल जाता है और जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा नरिश करता है और आल स्मूथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है और शाइनिंग और सिल्की बनाता है। शाइनिंग और सिल्की रिस्टोर करता है अगर आपके बाल पहले से डैमेज हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, दो मुहे हो गए हैं, तो यह आपके बालों को प्रिवेंट करता है। जो कि आपके बाल अगर इन सब आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम वाओ आपका सारी प्रॉब्लम्स को सही करता है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें, हर कोई शैम्पू जो है सूट नहीं करता है, तो आप एक बार लगाइए, दो बार लगाइए, आपको एक ही दो बार में रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और सबसे खास बात बता दें कि आप कैसे पहचानो कि आपके लिए कौन सा शैम्पू आपके हेयर के लिए अच्छा है और सूट कर रहा है कि नहीं, ये हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसकी वजह से नहीं बनाएंगे। और दोस्तों यह ऑल स्किन ऑल हेयर टाइप्स के हैं, मतलब आंवली जिनके हेयर हैं उसके लिए भी है और ड्राई जिसके हेयर है उसके लिए भी है। सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप के लिए है, कोई भी आप इसका यूज कर सकता है। और दोस्तों साथ में ही हम यहाँ पे वाओ का कंडीशनर भी बात कर लेते हैं। ये हमारा वाओ का शैम्पू हो गया, ये हमारा वाओ का कंडीशनर हो गया। दोनों को आप ऐसे ऐसे करके आराम से लगा सकते हैं। और कंडीशनर आपका ओनियन का ही है, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर फॉल डैमेज हो गए हैं, दो मुहे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, तो आप के लिए यह आपको इन सब चीजों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि यह कंडीशनर दोस्तों यह डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है और यह अपने बाल आपके बालों को सिल्की बनाएगा, शाइनिंग बनाएगा, सॉफ्ट एंड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये सब बनाएगा। और यह बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है और डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है और यह रेड ऑनियन का बनाया गया है, जो आपके रेड प्याज होते हैं उसके उससे ये बनाया गया है। और अगर एक बात और बता दें, अगर आप कोई भी कंडीशनर यूज कर रहे हो तो आपको बस कंडीशनर आपके बालों में यूज करना है, ना कि आपको स्कैल्प पे यूज करना है। अगर आप कोई भी कंडीशनर कितना से महंगा महंगा कंडीशनर यूज करते हो, अगर आप स्कैल्प पे अपने कंडीशनर अप्लाई करते हो तो आपका क्या है हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। जब भी आप कंडीशनर यूज करिए तो आप पैसे यूज करिए, और जब भी आप शैम्पू यूज करते हो, शैम्पू यूज करने के बाद जो भी आप टॉवल यूज करते हो बहुत ही ज़्यादा पतला और कॉटन का बना होना चाहिए, आपका मोटा वाला टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने सर पे ज़्यादा वेटेड टॉवल लपेट लेते हो तो आपके हेयर फॉल होने ही होने हैं, और आपके सर धुलने के बाद ऐसे ऐसे करके आपको झाड़ना नहीं है, नॉर्मल तरीके से अच्छे से अपने बालों के पानी को सुखाना है और हेयर ड्रायर बिल्कुल नहीं यूज करना है। तो दोस्तों वाओ का शैम्पू हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा सेकंड बोतल है, एक बोतल हम पहले ही यूज कर लिए हैं, यूज करने के बाद आधा ये भी यूज हो गया है, तब हम आपको रिव्यू दे रहे हैं, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं।